आप सभी लोगों का स्वागत है टेक्निकल माऊ यूट्यूब हिंदी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्कॉलरशिप का समय आने वाला है और स्कॉलरशिप में सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबकी प्रॉब्लम सारे डॉक्यूमेंट सही हो जाने के बाद प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्रिएट एक यहाँ हो जाती है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ही लिंक नहीं रहता है। जब तक आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तो 2-स्टेप वेरिफिकेशन होगा नहीं और आप स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो आप अभी पहले से तैयार हो जाइए, अपना ओनली मोबाइल नंबर लिंक करवाना है तो सबसे इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाइए और वहां पर अपने आधार कार्ड में मात्र 24 घंटे के अंदर में मोबाइल नंबर ऐड करवा सकते हैं। क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी आपके स्कॉलरशिप में वेरिफिकेशन होगा, जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भराना स्टार्ट ही हो चुका है तो आप प्लीज़ अपना जा करके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाइए तभी आप लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है सारी चीज़ें बिल्कुल अपडेट पे अपडेट आती जा रही हैं। तो आने वाले समय में बहुत जल्द ही आपको प्रॉब्लम सब क्रिएट होगी, लाइन लगाना पड़ेगा आपको मोबाइल नंबर में आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाने के लिए। तो सबसे ईजी तरीका है आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़वाने के लिए मात्र 50 रुपये में ही जुड़ जाएगा और आपको कहीं भी जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस पर जाइए और अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड करवा लीजिए यदि छात्रवृत्ति का लाभ लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।